हियर वी हैव द चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का ये आईएलबी टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। तो किस तरीके से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में एज अ रेडिकल मूवमेंट ग्रीव स्ट्रॉन्गर द ब्रिटिश बिगेन टू लुक फॉर वेज एंड मीन्स टू ब्रेक द यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस। इंडियंस को अगर तोड़ना हो, अगर इंडियंस के अगेंस्ट खड़ा रहना हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट एक चीज जो थी वो थी यूनिटी। अगर यूनिटी को तोड़ा जाए तो इंडियंस को अलग किया जा सकता है और इंडियंस पे जीत पा सकते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग कि इंडियंस को किस तरीके से तोड़ा जाए, क्या क्या रास्ते उसमें से निकाले। तो ब्रिटिश लोगों ने ये स्टार्ट किया कि डिफरेंट डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके जिसकी वजह से यूनिटी को तोड़ा जाए। दे ट्राई टू डू दिस थ्रू द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बाय सोइंग द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म अमंग इंडियन पीपल। सांप्रदायिकता को सोइंग द सीड, इसकी सीड बोना, यानी लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें डालना, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने एक चीज और भी की, वो बंगाल का जो था वो पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। दे मोटिवेटेड मुस्लिम्स टू फॉर्म अ परमानेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ देयर ओन, खुद का एक परमानेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, ग्रुप ऑफ पीपल, कि उनकी इंटरेस्ट की बात है वो रख पाए, राइट। इन दिसंबर 1906 ड्यूरिंग द मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन डिका, नवाब सलीम अल्लाह खान राइज द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन टू टेक केयर ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट। मुस्लिम लोगों की बातें रखे, मुस्लिम लोगों को फायदा हो, इसलिए उन्होंने ये एक ग्रुप एसोसिएशन को बनाया। अकॉर्डिंगली कब, तो के इन 1906, अकॉर्डिंगली ऑन 13 दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। तो 13 दिसंबर को 1906 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाइंड किया, यानी बनाया गया लोगों को जोड़कर। Another prominent person, Aga Khan was chosen as its president. अब Aga Khan जी जो थे, उनको president इसका रखा गया। The main objective of League was to protect and advance the rights of Muslim in India and represent their needs to the government. अब जो भी मुस्लिम लोगों की जरूरतें थी, जो किसी भी तरह के उनको फायदे हो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो सारी चीजें रख पाए, गवर्नमेंट के सामने रख पाए, इसलिए उन्होंने ये एसोसिएशन को बनाया। बाय इंकरेजिंग द इश्यू ऑफ सीपरेट इलेक्ट्रॉइड्स द गवर्नमेंट सोल्ड द सीड ऑफ कम्युनलिज्म एंड सेपरेटिज्म सेपरेटिज्म अमंग इंडियंस। द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट fruit of the British Ministry strategy of divide and rule. Muhammad Ali Jinnah later joined the League. ठीक है, divide and rule, divide करना, Indian लोगों को divide करना और उन पे rule करना। तो ये एक first, इन लोगों को एक fruitful रहा British लोगों को इस चीज पे work करने के लिए। This is all about formation of Muslim League 1906. So here we have 8.8 Emergence of Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was the lawyer trained in Britain. ठीक है, Mohandas Karamchand Gandhi जो है, जो हमें पता है कि they have studied about this law and वो lawyer थे, trained in Britain. Britain में वो train हुए. He went to South Africa in 1893 and resided there for 21 years. वहाँ पे 21 years तक वहाँ पे resident बनकर रहे. The treatment of the Indians in South Africa by the British probed his conscience. He decided to fight against the policy of racial discrimination of South African government. During the course of his struggle against the government, he involved the techniques of satyagraha. उन्होंने नए नए techniques of satyagraha find out किए जब वो इस चीज के against खड़े थे, ठीक है। He decided to fight against the policy of racial discrimination of South Africa. Satyagraha, non-violent, intense for truth and justice. Gandhi succeeded in struggle in South Africa. वो अपने struggle में succeed होने लगे. He returned to India in 1915. वो return होते हैं. In 1916 he founded the Sabarmati Ashram at Ahmedabad to practice the ideas of truth and non-violence. Gopala Krishna Gokhale advised him
to tour the country mainly in the villages to understand the people and their problems. वो 1915 से वहाँ से रिटर्न होकर 1916 में जब 1915 में आते हैं और 1916 में वो नियर टू अहमदाबाद साबरमती आश्रम वो जगह उन्हें मिलती है एंड वो वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं टू प्रैक्टिस द आइडियाज वहाँ पे ये सत्याग्रह के ऊपर वर्क करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को वो वहाँ पे उसके लिए वर्क करते होते हैं कुछ ना कुछ नई नई तैयारियां करते हैं सो एट द टाइम गोपाल कृष्ण गोखले वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि उन्हें कंट्री का टूर करना चाहिए और स्पेशली विलेजेस में जाकर लोगों को जानना चाहिए लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहिए पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें भी वो समझे राइट हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह बिगेन एट चंपारण इन बिहार इन 1917 when he inspired the peasants to struggle against the oppressive plantation system ke against kar rahe the struggle kiya unne in sare peasants ko samjhaya struggle kiya against the opposition oppressive plantation system he also organized a satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat Kheda district ke jo peasants the unko bhi satyagraha karkar unhe bhi support kiya These peasants were not able to pay their revenue because of crop failure and epidemics. In Ahmedabad, he organized a movement among cotton mill workers. तो different different जगह पर उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, लोगों को प्रोत्साहन दिया और उनको उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके अगेंस्ट खड़े रहने के लिए तैयार किया। खेड़ा में भी जब वो peasants जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अच्छा सा क्रॉप प्रोडक्शन न करने की वजह से क्रॉप फेल होने की वजह से उसके सामने जो उन्हें देना होता है जो उनका बोलते हैं कि जो जिन लोगों के पास से पैसे लिए होते हैं लाइक उनको रिटर्न देना है सो दे नहीं पाते हैं वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते हैं फेल टू पे द रेवेन्यू बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर एंड एपिडेमिक्स तो इसलिए भी वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो आगे सामने आवाज उठाए राइट फिर अहमदाबाद में भी कुछ कॉटन मिल के वर्कर्स को भी वो सपोर्ट करते हैं उन्हें भी वो समझाते हैं और लोगों के सामने अगेंस्ट खड़े रहने के लिए मतलब जो उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं जो गलत उन पे प्रेशर डाल रहे हैं तो उन लोगों के सामने अगेंस्ट खड़े रहकर उनको सामने जवाब देने के लिए वो तैयार करते हैं उन्हें समझाते हैं The non-cooperation movement 1920 to 22. Gandhiji by this time was convinced that no useful purpose would be served by the supporting the government. He was also emboldened by his earlier success in Bihar. In the light of past events and action of British government, he decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowland Act in 1919. पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको पास्ट पता चल गया था कि बिहार में उनको सक्सेस मिला है अब उन्हें तरीके पता चल रहे थे कि किस तरीके से पूरे इन लोगों के ऊपर हमें जीत कैसे हासिल करें ठीक है तो अब उन्होंने क्या किया डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशनवाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉवलेंट एक्ट ये एक्ट के अगेंस्ट खड़े रहकर नेशन पूरा एक साथ में खड़ा रहे इन 1990 ही threatened to start the non-cooperation movement in case the government failed to accept his demands. उनके demands अगर accept नहीं करती है तो वो fail होते हैं. Why do you think Gandhiji protested against the act? It was because the act gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without any trial for 2 years. Gandhiji wanted non-violent civil disobedience against such unjust law ठीक है वो चाहते थे कि ये non violent civil disobedience है against such unjust law तो उसे भी वो उस पे भी work करना चाहते थे ठीक है उसके लिए भी वो ये part करना चाहते थे कि जिसके वजह से लोगों को इनका हक मिले right लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो ना हो the government paid no heed to it. Gandhiji therefore started his non-cooperation movement in August 1920. The government उन पे सही से इस पे ध्यान नहीं देती है तब वो वापिस 1920 में वो एक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं therefore they started a non-cooperation movement स्टार्ट करते हैं in August 1920 in which
he appealed to the people not to the cooperate with the British government. क्या अपील करते हैं? अपील not to cooperate with British government. जो भी वो कहते हैं उन्हें नकारना, उनकी हर हाँ में हाँ न करना. In which he appealed to the people not to cooperate with the British government. At this time, the Khilafat movement started by the Muslims and the non-cooperation movement led by Gandhi merged into one common confirmation against the British government. British government के खिलाफ ये एक नई लड़ाई स्टार्ट हुई, जिसमें उन लोगों ने गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया, राइट? क्या अपील की कि ब्रिटिश लोगों की हर बात को मानना नहीं है, राइट? फॉर गांधी जी लेड डाउन एन इलाबरेट प्रोग्राम सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड हॉनररी ऑफिस एज वेल एज रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट्स इन लोकल बॉडीज. रेजिग्नेशन दे देना लोकल बॉडीज, लोकल जो सीट्स थी, ठीक है, लोकल जहां पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वैसे सारी जगह पे नॉर्मली जो ऑफिसर्स वगैरह में वर्क कर रहे हैं, एज वेल एज रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड सीट्स, जिसमें हमें नॉमिनेट किया गया हो उसमें से भी सीट्स में नॉमिनेटेड किया हुआ हो उसमें से भी रिजाइन कर देना. रिफ्यूजल टू अटेंड ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल फंक्शंस, ऑफिशियल फंक्शंस एंड नॉन ऑफिशियल फंक्शंस को भी रिफ्यूज करना. Gradual withdrawal of children from officially controlled schools and colleges, उसमें से भी बच्चों को निकाल लेना. Gradual boycott of British courts by lawyers and litigants, refusal on the parts of military, clerical and laboring classes to offer themselves a recruits for services in Mesopotamia. ठीक है, ये different different parts में भी स्कूल कॉलेजेस में से बच्चों को निकालना. ग्रेजुअली बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय द लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स, उनके जो लॉज हैं उनको भी ना मानना, उनके अगेंस्ट खड़े रहना, उनको अच्छे से रिस्पांस ना देना. रिफ्यूजल ऑफ द पार्ट ऑफ मिलिट्री के पार्ट में भी रिफ्यूज कर देना, वो अगर चाहे के रखे तो उस पार्ट में भी इंक्लूड ना होना. एंड लेबरिंग क्लासेस टू ऑफर देमसेल्फ एज अ रिक्रूट्स फॉर सर्विसेज इन मेसोपोटामिया. तो इस पार्ट में भी जैसे लेबर फोर्स जो था, मतलब जो लेबर्स वर्क करते थे, उस वर्क को भी नकार देना, उसमें भी इंक्लूड ना होना. बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द कैंडिडेट्स एंड वोटर्स, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो इन सारी चीजों को भी बॉयकॉट करना, उन सारी चीजों में भी इंक्लूड ना होना और इंक्लूड ना होने देना. Later, it was supplemented with the constructive program, which had three principal features. First is promotion of Swadeshi, particularly hand spinning and weaving. फिर इन्होंने खुद का ही start किया, like कि खुद की चीजों पे ही, खुद के local products पे को ही promote करना, इसको ही बेचना. थ्री प्रिंसिपल्स पे वर्क किया, लाइक प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, पर्टिकुलरली हैंड स्पिनिंग, स्वदेशी खुद की यहाँ पे बनाई हुई हैंड स्पिनिंग, हैंडवर्क जो होता है, हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें होती है उसे ही बेचना, जिसकी वजह से हमारे इंडियंस को प्रॉफिट हो. रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी अमंग हिंदूज, हिंदूज के बीच में अनटचेबिलिटी वाली चीजों को निकालना, लाइक नीची कास्ट के लोग, अपर कास्ट लोग, ये सारी चीजों को हटाना. प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट करना. Right. Due to this appeal of Gandhiji, an unusually frenzy overtook the country. A large number of people dropping their differences took part in this movement. और बहुत सारे लोगों ने इस movement में part लिया, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें सही लग रही थी, उनके हित के लिए लग रही थी. Over 2/3 of the votes abstained from taking part in the elections to the council. Held in November 1920, thousands of students and teachers left their schools and colleges, and new Indian educational centers were started by them. तो इसमें thousands of schools and colleges में से बच्चों को निकाल लिया था, thousands of students and teachers left their schools, thousands of
स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने दोनों ने मिलकर ये मूवमेंट में पार्ट लिया और स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ दिया और खुद के इंडियन एजुकेशन सेंटर्स को स्टार्ट किया. वाज स्टार्टेड बाय देम लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालचारी एंड आसिफ अली बॉयकॉटेड द कोर्ट्स. फिर लोगों को भी बॉयकॉट कर दिया कोर्ट से. लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर आल्सो बॉयकॉटेड. लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी उनको भी बॉयकॉट कर दिया. फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड एंड द क्लोथ्स वर पुट ऑन बॉनफायर. इतनी सारी चीजें की. बट ड्यूरिंग दिस मूवमेंट सम इंसिडेंट्स टुक प्लेस दैट डिड नॉट मैच विद द व्यूज ऑफ गांधी. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हो रहे थे जो गांधी जी ने सोचा हुआ था, जैसे उन्होंने प्लान किया था वैसे नहीं हो रहा. The non-violent, non-cooperation movement which started apexiously was marked by violence in August 1921. The government started taking serious action. Prominent leaders were arrested. The government जो थी इसके खिलाफ serious actions भी लेना start किया. Prominent leaders को भी arrest करना start किया. In 2 months, nearly 30,000 people were imprisoned. Impressed. The outbreak of violence caused Gandhi. More violence took place on February 9, 1922 at Chauri Chaura village in Gorakhpur district of UP. This was followed by more violence at Bareilly. Gandhi suspended his non-cooperation on February 14, 1922. He was arrested at Ahmedabad on March 18, 1922 and sentenced to 6 years simple imprisonment. The non-cooperation movement failed to achieve success, yet it succeeded to prepare a platform for the future movements. After taking back the non-cooperation movement, Gandhiji and his followers were busy in the creative activities in village areas. By this, he gave the message to the people to remove the caste-based animosity. तो इसमें क्या लगा कि एक टाइम ऐसा भी आया जिसमें गांधी जी सस्पेंडेड इज नॉन कॉपरेशन ऑन फरवरी 1922. ही वाज अरेस्टेड एट अहमदाबाद ऑन मार्च 18. उनको अरेस्ट कर लिया गया 1922 में and sentenced to 6 years simple imprisonment. Non-cooperation movement failed to achieve success. उस वक्त ये cooperation movement जो था non-cooperation movement वो failed हुआ कि हम लोग success achieve करें. But yet it succeed to prepare a platform for the future movements. But एक तरीके से succeed था क्योंकि platform prepare कर दिया था उन्हें लोगों को इतना बता दिया था कि if we stand together तो हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं. ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया था, लोगों को समझ आ गया था. तो इस वजह से क्या लगा गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स वर बिजी इन क्रिएटिव एक्टिविटीज इन विलेज एरियाज. फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज भी विलेज एरियाज में स्टार्ट कर दी गई थी. बाय दिस ही गेव द मैसेज टू द पीपल टू रिमूव द कास्ट बेस्ड एनिमोसिटी. कास्ट बेस्ड एनिमोसिटी को निकाला जाए, लाइक कास्टिज्म जो था उस चीज को निकाला जाए, ये लोगों को उन्होंने बताना स्टार्ट किया. So this is all about, हमने पढ़ा सारे के सारे the non-cooperation movement 1920 to 22. किस तरीके से गांधी जी ने इसमें इन्वॉल्व होकर कैसे लोगों को प्रेरित किया और हमने at last different different activities जिसमें हम लोग कास्टिज्म का जो था उसे हम लोग निकाल पाए, कास्टिज्म सिस्टम को जो है, by this he gave the message to the people to remove this caste-based animosity. कास्ट बेस्ड जो एनिमोसिटी थी उसको हम लोग निकाल पाए, इससे लोगों को उन्होंने मैसेज दिया ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू. सो हियर वी हैव 8.8.2 दांडी मार्च. अराउंड द सेम टाइम द गवर्नमेंट मेड अ न्यू लॉ. अब हमने पहले देखा था पूरा जिसमें गांधी जी ने किस तरीके से आफ्टर रिटर्निंग वो जब रिटर्न हुए और इंडिया में हम लोगों ने लोगों को प्रेरित किया कि किस तरीके से मतलब हम लोग ब्रिटिश लोगों के खिलाफ खड़े रह सकते हैं एक. और उसी के बाद ये एक दूसरा मूवमेंट दांडी मार्च वाला. अराउंड द सेम टाइम द गवर्नमेंट मेड अ न्यू लॉ, दे इम्पोज्ड टैक्स ऑन द यूज ऑफ साड़ी. अब गवर्नमेंट ने नया लॉ बना दिया जिसमें
अगर सॉल्ट को भी यूज करते हैं तो उसमें भी उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया. दिस वॉज अपोज्ड बाय द पीपल एज सॉल्ट वॉज द बेसिक नीड ऑफ अ पीपल. तो ये चीज भी लोगों ने अपोज की बिकॉज इट्स अ बेसिक नीड. मतलब सॉल्ट के बिना कोई चीज मतलब खाना पॉसिबल है ही नहीं. मतलब विदाउट सॉल्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू ईट फूड इवन, राइट. तो वो एक बेसिक नीड थी और उस पर अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं सो इट विल बी कॉस्टली फॉर एवरीवन. बट नाउ अटेंशन वॉज पेड टू डिमांड्स ऑफ द पीपल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 1930. गांधी मार्च फ्रॉम हर साबरमती आश्रम टू डांडी ऑन द गुजरात कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ राइडिंग द गवर्नमेंट सॉल्ट. किसी ने किस तरीके से गवर्नमेंट सॉल्ट को राइड करना, तो इस वजह से गांधी मार्च स्टार्ट किया, ठीक है, ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल 1930. द वायोलेशन ऑफ साइट लॉ वॉज हज फर्स्ट चैलेंज टू द गवर्नमेंट. अब ये फर्स्ट चैलेंज था वायोलेशन करना, राइट. इट वॉज अ पीसफुल मार्च. ये पीसफुल मार्च रहा, मतलब शांततापूर्वक ही उन्होंने सब वो रखा. गांधी कमिटेड अ टेक्निकल ब्रीच of salt law on 6 April 1930 when he picked up the scattered sea salt from the coast to break this law. In this movement, farmers, traders and women took part in a large number. Farmers ने भी बहुत ज़्यादा support किया, जो traders थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा support किया and women also that कि उन्होंने ये march को support किया. The government arrested him in May 1930 and put him in a Yarvida jail at Pune. The campaign had a significant effect on British attitude towards the Indian independence. Gandhi-Imran Pact in 1931 was one of its examples. Gandhiji also went to London in 1931 and participated in the second round table conference as the sole representative of Congress, but no settlement could be arrived at. उन्होंने लंदन भी गए, वहां पे भी उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया, सोलो रिप्रेजेंटेटिव बने ऑफ कांग्रेस, ठीक है. आल्सो गांधीजीस अरेस्ट रिमूव्ड हिम फ्रॉम द एक्टिव लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट. दिस सिविल डिसोबीडियंस कंटिन्यू. स्पेशल स्ट्रेस वॉज लेड ऑन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स पर्टिकुलरली क्लोथ्स. तो स्ट्रेस किस पर रखा, स्पेशल स्ट्रेस इस पूरे इसमें, तो कि किसी न किसी तरीके से जो फॉरेन गुड्स है पर्टिकुलरली जो क्लोथ्स है उस पर बॉयकॉट रखा जाए. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू द फेलियर वाज अ वाइटल फेज इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. इट प्रमोटेड यूनिटी अमंग इंडियंस ऑफ डिफरेंट रीजंस अंडर द कांग्रेस बैनर. कांग्रेस बैनर के अंदर इन लोगों ने क्या किया, इसके अंदर क्या किया इन लोगों ने कि इंडियन लोग जो थे उनको उनकी यूनिटी को प्रमोट किया. It provided an opportunity to recruit younger people and educate them for opposition of trust and responsibility in the organization as also in provincial administration, which was captured in the 1913 election. ये चीज़ कब देखने मिली? 1937 का जो election था, इसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने मिली. It gives wide publicity to the political ideas and method throughout the country and generated political awareness even in the remote villages. किसने किसी तरीके से इसका aim ये था कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों को aware करें, political awareness even in the remote areas also, remote villages. बहुत ऐसा outsided villages था, village थे जिसमें इन लोगों ने ये political awareness फैलाई, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज को शेयर किया, पब्लिसिटी की उसकी, राइट. दिस इज ऑल अबाउट दांडी मार्च 8.82 अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस 1935-47. किस तरीके से इंडिपेंडेंस हमें मिला, किस तरीके से वो वर्कआउट हुआ, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं. The British government prepared a white paper in March 1933. On the basis of the white paper, a bill was prepared and introduced in the parliament in December 1934. The bill was finally passed as the Government of India Act on August 2, 1935. ठीक है, तो एक British government ने एक white paper बनाया in March 1933.
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाइट पेपर अ बिल वाज प्रिपेयर्ड इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट. एक बिल बनाया गया और वो बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया. द बिल वाज फाइनली पास्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑन ऑगस्ट 2 और ये बिल को ऑगस्ट 2 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया. द मोस्ट कॉन्सिप्यूस फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 वाज द कांसेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग द प्रोविनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स. It was compulsory for the provinces to join the proposed federation for the princely states. It was voluntary. मतलब इसमें ऐसा था कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से जोड़ा जाए, जिसमें जो states थे prominent states, prominent country ऐसे हम लोग बोले, तो उन लोग के लिए ये compulsory था कि उनको इसमें join होना ही है, but princely states के लिए voluntary था. If they wants to join, तो वो join कर सकते हैं, और अगर उनको join नहीं करना है तो it's not compulsory for them. The members from the prominence were to be elected. अब ये prominence में से कुछ न कुछ members elect होने वाले हैं. Elected. While the representative of the states were to be nominated by the rulers. और states के जो भी representatives होंगे, वो ruler ruler लोग ही nominate करेंगे उन्हें. ठीक है? वहाँ के जो रहवासी हैं, जो वहाँ पे रहने वाले हैं, तो वो लोग ही decide करेंगे कि उनके states का कौन representative बने, और वही उन्हें ही nominate करेंगे. Only 14% of the people population in the British India had the right to vote. The powers of the legislature were confined and restricted. It had no control over the defence and foreign relations. The Act protected British vested interests, discouraging the emergence of national unity, rather encouraging separation and communalism. All nationalists, including Nehru and Jinnah, condemned the Act. तो इसमें ऐसा था कि उस वक्त ब्रिटिश टाइम के वक्त 14% ऑफ द पॉपुलेशन ही वो लोग वोट कर पाते थे. इसमें इतने सारे नेगेटिव चीजों पे वर्कआउट हो रहा था. द एक्ट प्रोटेक्टेड ब्रिटिश वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों का इंटरेस्ट इस एक्ट में समवेयर मेंशन किया गया था कि उनका इंटरेस्ट में ही सारे चीजें हो. राइट, डिस्करेजिंग द इमर्जेंस ऑफ नेशनल यूनिटी. नेशनल यूनिटी को भी डिस्करेज किया जाए ऐसा कुछ, तो इससे और कम्युनलिज्म और सेपरेशन का पार्ट भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ था. इन द ऑल नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग नेहरू एंड जिन्ना कमेंडेड द एक्ट. मतलब इन लोगों ने निंदा की, इन लोगों ने इसके नेगेटिव वे बताया. मतलब इट इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी, मतलब ये नेगेटिव है, ऐसे इन लोगों ने निंदा करते हुए कहा. द कांग्रेस सेशन मीट इन लखनऊ. अब 25th अप्रैल 1935 को कांग्रेस सेशन की एक मीट होती है लखनऊ में. थ्रू द एक्ट वाज कमेंडेड, इट वाज डिसाइडेड टू कंस्टेंस द इलेक्शन टू रेजिस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड टू एड द वेरियस रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस एंड एक्ट व्हिच वर इनिशिएटेड अगेंस्ट द नेशनल इंडियन नेशनलिज्म. इन द 1937 इलेक्शन द कांग्रेस स्वेप्ट द पोल. कांग्रेस मिनिस्टर्स वर फॉर्मड इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. अब ये जब मीट हो रही है तो इसमें वैसे भी ये सब इन लोगों ने निंदा की हुई थी, ये किसी को मतलब नहीं रखना था, बट फिर भी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया. ठीक है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था. वेरियस रेगुलेशंस ऑर्डिनेंस एंड एक्ट विच वर इनिशिएटेड अगेंस्ट इंडियन नेशनलिज्म. इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ ये सारे एक्ट्स को प्रेजेंट किया जा रहा था. इन 1937 इलेक्शन तो कांग्रेस स्वेप्ट द पोल. कांग्रेस ये इलेक्शन को जीतती भी है. राइट, आउट ऑफ कितने मिनिस्टर्स वर फॉर्मड इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. 11 में से 11 स्टेट्स में से 7 में इन लोगों के इनको चांस मिलता है, मतलब वो इस को इस पे जीत हासिल करते हैं 7 प्रोविंसेस पे. On March 18, 1937, the All India Congress Committee adopted the resolution on Congress policies in the legislature. It claimed that the Congress had constructed the elections with its objective of independence and its total rejection of new constitution and the demanded for the Constituent Assembly to frame India's constitution. मतलब इन लोगों ने ऐसा दावा किया कि कांग्रेस ने ये जो लड़ाई लड़ी है, इलेक्शन लड़ा जो है, वो इंडिपेंडेंस पाने के लिए एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि इंडिपेंडेंस मिले, इट्स टोटल रिजेक्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए नए नीति नियम लागू न पड़े,
इसके लिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, जिसमें फिर आगे कहते हैं द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द कमिंग ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स वाज अ फीलिंग ऑफ रिलीफ। लोग ऐसा फील कर रहे थे, रिलीफ फील कर रहे थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड एंड लार्ज मेजर्स ऑफ सिविल लिबर्टी वर एस्टैब्लिश्ड। एररियन लेजिस्लेशन वाज आल्सो पास्ड एंड दिस प्रोवाइडेड कंसीडरेबल रिलीफ टू द पीस एंड मेजरली पीसेंटरी। बेसिक एजुकेशन वाज इंटेंडेड टू बी मेड फ्री एंड कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड। इसमें लोग ऐसा फील कर रहे थे, रिलीफ फील कर रहे थे, जिसमें एक लास्ट वाला पार्ट इन्होंने बताया कि पीसेंट जो थे, जो लोग रेगुलर मतलब बहुत गरीब लोग जो थे, जो सफर कर रहे थे, जिनको बेसिक नीड्स भी नहीं सही से मिलती है, सो वैसे लोगों को ये थोड़ा फ्री रिलैक्स फील कर रहे थे, जिसमें उन लोगों को फ्री एजुकेशन मिल रहा था और एजुकेशन को भी इन लोगों ने कंपल्सरी कर दिया था। मतलब इट वॉज समथिंग गुड, इट वॉज इंटेंड टू बी मेड फ्री एंड कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस 1935 to 47।